आप देख रहे पीटीएन न्यूज। आशाओं के मानदेय की समस्या को लेकर अपर आयुक्त से मिले वरिष्ठ समाज सेवी संजय बालिया। अब खबर विस्तार से। जनपद सहारनपुर में आशाओं के मानदेय की समस्या महीनों से चली आ रही है। आशाओं ने मानदेय की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। भूख हड़ताल पर बैठे और समस्या न सुने जाने पर आत्मदाह की भी कोशिश की। प्रशासन की सूझबूझ और विभाग के अधिकारियों की आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन आशाओं के समस्या पहले जैसे बनी हुई है। आशाओं की मानदेय की समस्या को लेकर समर्थन में उतरे वरिष्ठ समाज सेवी संजय बालिया। अपर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि आशाओं का धरना प्रदर्शन दोबारा शुरू होगा और इस बार उन अधिकारियों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे जिनके आश्वासन पर आशाओं का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने वाले भी आप ज्ञापन देते आ रहे हैं, धरने पर भी काफ़ी समय बैठे रहे, काफ़ी टाइम बैठे रहे, उसके बाद आप लखनऊ जाके मुख्यमंत्री जी से भी मिलाए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन आपको नहीं मिला है। आज आप जो है अपर आयुक्त के यहाँ पहुँचे हैं, क्या आश्वासन, क्या चीज़ की बात? आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने के लिए यहाँ आशाओं का जो भुगतान लंबित पड़ा हुआ है, आशाओं के साथ जो लगातार अभद्र व्यवहार होने का काम हो रहा है, उसके प्रसंग में कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। कमिश्नर साहब नहीं मिले, लेकर अपर कमिश्नर राम सुरेंद्र राम जी से मुलाकात हुई, उनसे विस्तृत बातचीत होने का काम हुआ। हमने सिर्फ एक ही बात रखी, क्या मजदूरी करने के बाद उसका पैसा मांगना गुनाह है? क्या परिश्रम करने के बाद अपने पैसे का भुगतान मांगना गुनाह है? जब तक ये आशाएं धरने पर रहती हैं तो इनका पैसा मिलने का काम होता है, जैसे ही ये आशाएं धरने से उठने का काम करती हैं इनके साथ फिर दोबारा वही व्यवहार होने का काम होता है, वही बदतमीजियाँ होने का काम होता है और हिटलरशाही होने का काम होता है। इस बार साफ तौर पर आशाओं ने मन बना लिया है कि 21 तारीख से दोबारा धरने पर आने का काम करेंगी और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। पिछली बार तो मात्र तेल गिरने का काम हुआ था, आशाओं का मानना इस बार तेल नहीं गिरेंगे, खुद तो मरे ही मरेंगे, साथ उन अधिकारियों को भी दंडित करने का काम करेंगी जिन अधिकारियों की वजह से इनके बाल बच्चों का शोषण हो रहा है, जिन अधिकारियों की वजह से इनका भुगतान रुका हुआ है, जिन अधिकारियों की वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है, उन सबको गंभीरता से लेते हुए अगर अधिकारी इसका 20 तारीख तक को निर्णय नहीं करते हैं तो 21 तारीख से खुद कमाल संभालने का काम करेंगे और खुद अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संजय वाले जी, एक और नया मामला जो है आप ही के संज्ञान से सामने आया है कि आशा बहुओं को सुबह जो है तत्काल उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं और शाम को वापसी कहते हैं कि उनका कार्य अच्छा है और उनको फिर वापसी ले लेते हैं, ये क्या मामला है? अधिकारियों का मसला है ये। मान लिया जब भी दबाव बढ़ता है तो एक लेटर जारी होता है कि इस डॉक्टर का ट्रांसफ़र इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में कर दिया गया, इस बाबू का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कर दिया गया, लेकिन 5 दिन बाद फिर दोबारा देखने का पता चलता है कि जो ट्रांसफ़र हुए थे वही ट्रांसफ़र दोबारा रोक दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं धन बल का प्रभाव साफ तौर पर इस पर दिखाई दे रहा है।